हेलो फ्रेंड, इंजीनियर कॉन्सेप्ट वापी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7, मेंसुरेशन जो चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 7 आज पढ़ने वाले हैं हम। तो आज हम बेसिक फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स हैं जिनके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले को अगर हम जान जाते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं उसको हम कर सकते हैं। तो एक एक हम करते जाते हैं, ठीक है। पहला है आपका क्यूब, ठीक है, क्यूब है, ठीक है। क्यूब कैसा होता है वो मैं यहां पे आपको बना के दिखा देता हूं। इस टाइप का, जिसका लेंथ, वेट एंड हाइट सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये एल विड्थ भी उसका, ये एल है, ये उसका विड्थ है, ठीक है। यहां पे आपको बता देता हूं, एक ये भी ड्रॉ कर दिया जाए आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। यहां पे जान दो कि ड्राइंग कर देता हूं, ओके। ये आपका एल है, ये बी है और ये एच है, ठीक है। तो ये एल बी भी एल ही है और एच भी क्या है, एल है। मतलब इसके जो भी साइड है सबका डायमेंशन क्या है, सेम है, तो उसको क्यूब बोला जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वो क्या होगा, एल का क्यूब हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है एल क्यूब, उसको बोला जाता है क्यूब। ये जो शेप बना हुआ, सॉलिड बना हुआ, इसको क्यूब बोला जाता है। जिसके लेंथ, विड्थ, हाइट क्या हो, इक्वल हो, तो उसे बोला जाता है क्यूब, और उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब। एल क्यूब मतलब एल इंटू एल इंटू एल, थ्री टाइम्स उनके मल्टीप्लीकेशन, ओके। सेकेंड क्या है आपका, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है बना के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये इस टाइप में आपका क्यूबॉइड है, ओके। इस टाइप का आपका क्यूबॉइड है, ओके। ये एल है आपका, ये बी है और ये एच है, ठीक है। जिनके डायमेंशन डिफरेंट हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्यूबॉइड। मतलब रेक्टेंगुलर का ये फॉर्म है एक, ठीक है, और उसके विड्थ के अकॉर्डिंग या हाइट के अकॉर्डिंग चले जाए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्यूबॉइड। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसका क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका थर्ड वन। थर्ड वन जो है क्यूब हो गया, उसके बाद से थर्ड वन है आपका सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर कैसा होता है, इस टाइप में मैं आपको बना के बता देता हूँ, वेरी सिंपल ना, वेरी सिंपल, दिस इज द वॉल्यूम, ओके। ये वॉल्यूम होता है, ओके। अब वॉल्यूम में इतना जो डायमेंशन होता है ये आर होता है, चाहे इधर का देख लो, ये आर होता है, इतना टोटल डायमीटर होता है, और यहां से लेकर यहां तक ये हाइट होता है, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। पाई, पाई की वैल्यू आपको पता है, ये पाई की वैल्यू क्या क्या होती है, पाई जो होता है उसकी वैल्यू 22/7 करो और 3.14, कोई दोनों, अगर जो दिया हो तो वही वैल्यू पुट करेगा, नहीं दिया हो तो कोई, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर हो गया, ओके। उसके बाद से फोर्थ वन है आपका कोन, ठीक है। कोन, कोन किसको बोला जाता है, इस टाइप में, ओके। यहां से यहां तक इसका आर होता है, रेडियस, ये उसकी हाइट होती है, ठीक है, ये हाइट होती है। और ये जो होता है इसको बोला जाता है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट बोला जाता है। ये हाइट होता है, ये स्लैंट हाइट होता है, ये वाला जो हाइट होता है, ठीक है, स्लोप वाला जो हाइट होता है उसको बोला जाता है स्लैंट हाइट। ये इसका रेडियस और ये इसका हाइट। तो इसका वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h, ये होता है फॉर्मूला, याद रखने का, ठीक है। तो ये कोन का फॉर्मूला हो गया, कोन में ये h है, ये रेडियस है और ये स्लैंट हाइट है, l जो इंडिकेट किया गया है वो स्लैंट हाइट है, ओके। तो ये कोन हो गया। उसके बाद
मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ वो है फोर्थ वन हो गया फिफ्थ वन देख लो। फिफ्थ वन है आपका स्फीयर, ठीक है। स्फीयर कैसा होता है बता देता हूँ। स्फीयर मतलब बॉल, आप देखते हैं ना बॉल, ये बॉल आपने देखा होगा, ठीक है, बॉल फुटबॉल देखा होगा, ये स्फीयर सेट में होता है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³। अगर इसका रेडियस जो है वो r है, ठीक है, बॉल का सेंटर से उसकी कर्वेचर तक के डिस्टेंस को रेडियस बोला जाता है। तो अगर रेडियस r है तो 4/3 πr³ हो जाता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। सिक्स नंबर है लास्ट हेमिस्फीयर, ओके, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर कैसा होता है, इसको हाफ काट दिया जाए, हाफ काट दिया जाएगा तो ऐसे होगा, ऐसे दिखेगा आपको, ये इस टाइप का शेप पे दिखेगा। ये इसका आर रेडियस है, ये हाइट भी आर ही होगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सिंपल सा उसका हाफ स्फीयर का इतना होता है। तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा 2/3 πr³। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले को आपने देखना है, ठीक है, चाहे क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे कोन हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे हेमिस्फीयर हो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। ये इसके बारे में अगर पता है कि ये क्यूब है, क्यूब के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यूबॉइड है तो जिनके सभी साइड अनइक्वल होते हैं, मतलब पता नहीं होता है कि, पता होता है लेकिन अलग अलग डायमेंशन के होते हैं। सिलेंडर में कैसा होता है, ये इस प्रकार से ये गोल ऐसे होता है, ठीक है, इस प्रकार से ये गोल होता है जिसकी हाइट h होती है और रेडियस होता है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h होता है। उसके बाद से कोन है, कोन में ये हाइट होता है, ये रेडियस होता है, ये स्लैंट हाइट होता है। तो उसका वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr² h, ठीक है। स्फीयर का क्या होता है, एक बॉल ले लो, ठीक है, बॉल का अगर रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है 4/3 πr³। उसके बाद से हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर अगर रेडियस r है तो उसके लिए स्फीयर का हाफ हो जाता है 2/3 πr³, उसका हाफ कर दिया गया तो 2/3 πr³, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी दिया रहता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन है, ठीक है, उतने ही रेडियस का हाफ हेमिस्फीयर, मतलब उसको हाफ कर दिया गया तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सिंपल है, उसका हाफ कर देने का, जो भी वॉल्यूम दिया उसका हाफ कर दो तो हेमिस्फीयर निकल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं, तो ये इस तरीके से आप ये फॉर्मूले को एक बार दो बार देखिए ताकि आपका जो फंडा है वो क्लियर हो सके। एंड जो एरिया वाले फॉर्मूले थे इसके पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं, उसको देखिए, उसमें एग्जांपल्स है, बेसिक फॉर्मूला है, उसको आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि इससे रिलेटेड जितने भी अपडेटेड वीडियो आते हैं वो आप तक पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।